प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, तो अभी ये फाइनली चनिया चोली प्रकरण यहाँ पे समाप्त तो हो गया। हाँ भाई, हो गया। तो अभी घर जाके सो सकते हैं? हाँ, वो तो पहले भी घर जाकर सो सकते थे, किसने रोका था? शेजा धर्म ने रोका था। मंडल अपना आभार्य है। हमें सुधा आभार्य हो, अभी हम लोग सोते हैं। हाँ तुम्हारा सोना तो पड़ेगा ना, रात भर की नींद का बैंड बज गया, काम का ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ेगी। सही बात है, रात भर जागने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब अगर बॉक्स में से चनिया चोली की जगह अगर कुछ खाने पीने की चीज निकली होती तो रात का जागरण तो सफल हो गया होता ना। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बातें आती भाई, अभी आपका जागरण सफल कर देते हैं। कैसे? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाते। अच्छा, अरे मंगाइए मंगाइए जल्दी भाई, मेरा तो जागरण सफल हो गया। तू जा रहा है सोने? नहीं नहीं, जाऊंगा थोड़ी देर। हाँ मुरलीधर फरसाण, अब जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बन रहे है क्या? ओहो, गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, फाफड़ा भी बन रहे। हाँ तो चलो बोनी, मैं कराता हूँ, ऑर्डर लिखो। जल्दी भेजिए। हाँ आइए। अरे अरे देखो देखो, जो भी पसंद है ले लो। अरे वाह, गुलाबी चनिया चोली तो मस्त है, मैं ये रखूंगी। आओ दया भाभी, ये तो बहुत प्यारा है। मुझ पर कैसा लगेगा ये? बहुत अच्छा लगेगा, मस्त कलर है, आप रख लीजिए। थैंक यू। कोमल भाभी, ये चनिया चोली मुझ पर कैसे लगेगी? सुपर्ब कलर है। थोड़ी भाई तो तुम्हारे दीवाने हैं ही, इसमें देखकर और भी दीवाने हो जाएंगे। क्या बात है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इतने सारे चनिया चोली। दया भाभी, ये सारी की सारी चनिया चोली इतनी अच्छी है ना कि जी कहते कि साड़ी रख ले, है ना? अरे अच्छा है। हाँ दया भाभी, हम एक एक चनिया चोली तो जरूर लेंगे। यस। इसके कितने पैसे होते हैं ना बता दीजिएगा, हम दे देंगे। अरे अंजलि भाभी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग पराए थोड़ी कि मैं आपसे पैसे लूंगी। देखिए, आप लोगों को जो भी चनिया चोली अच्छी लगे ना, वो ऐसे ही ले लीजिए, और सुंदर हीरा कुछ नहीं बोलेगा बल्कि वो तो खुश हो जाएगा। भाई ये सब सेट तो हो गया, लेकिन जलेबी फाफड़ा आने में बहुत टाइम लग गया ना। टाइम तो थोड़ा लगेगा ना आतिफ भाई, क्या अच्छी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी है। और ये मुरलीधर भाई क्या है, एकदम दिल से अच्छी चीज बनाते हैं। पहले क्या है, वो फाफड़े के आटे को गूंथेंगे ऐसा मस्त एकदम, उसमें मरी बरी डाल के फिर वो आटा तैयार हो जाएगा, उसको ऐसे वो लकड़े का वो पाटला होता है उसके ऊपर ऐसे मस्त ऐसे उसकी पट्टी ऐसे खींचेंगे, फिर वो पट्टी को ऐसे उखेड़ के ऐसे गरम गरम तेल में डालेंगे, फाफड़ा तलेंगे,
दूसरी ओर उनके भाई मनोहर भाई जलेबी की तैयारी करेंगे। उधर वो जलेबी का आटा तैयार करने के थोड़ा केसर बेसर डाल के मस्त ऐसा वो कलर आ जाएगा उसका केसरी केसरी। फिर वो पूरा जो उसका आटा है उसको ऐसे वो कपड़े में ऐसे ऐसे बांधेंगे, ऐसे पोटली बनाएंगे। और फिर वो पोटली ऐसे 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 गरम गरम तेल में ऐसे जलेबी ऐसे ऐसे बनाएंगे। फिर वो बड़ा सा झारा होता है, झारे से ऐसे वो गरम गरम तेल में जलेबी ऐसे ऐसे करके ऐसे वो बड़ा सा वो डिश होता है उसमें रखेंगे। और इधर ये वो फाफड़ा तब तक तैयार हो जाता है बड़ा बड़ा एकदम है। और वो डाल के फिर पेपर में पैक करके वो तली हुई मिर्ची हरी और पपैया का संभरा वो सब पैक पुक करके बस अभी आता ही होएगा उसका आदमी। काय झालं हे वर्णन केलं ना तर राहत नाहीये। थोडा सबूर करा सबूर करा, श्रद्धा आणि सबुरी। ये तो अब्दुल है। क्या अय्यर भाई? अय्यर भाई ये कोई मजाक करने का टाइम है? पोपू को देखने लड़की वाले आए थे। अरे वाह, लड़की वालों ने पोपट भाई को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट, सिलेक्ट नहीं बोल सकता था। अरे पोपट भाई, अगर आपको सेलेक्ट किया होता तो आप आराम से ऐसे थोड़ी बड़े होते, समुद्र के लहरों की तरह उछल रहे होते। ये तो है। लो आ गया। अरे भाई जलेबी फाफड़ा आ गए। अरे वाह, आ जा आ जा भाई, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, आ जा भाई, आ जा जल्दी, आ जा आती भाई। मजा दुकानदार है कि नहीं? कंफर्टेबल होके इधर ऐसे बैठ के भाई। ये भी, ये भी, एक मिनट आती भाई, आती भाई, एक सेकंड ना। ये ओ जेठा भाई, चाचा जी को भी बुला लो यार। नहीं छोटे बापू जी के ना के पूजा पाठ करके कुछ खाते हैं तो उनके लिए, और घर पर सब लेडीज लगे ना उनके लिए मैं गरम गरम ये दो पैकेट लेके जाता हूँ। आप लोग शुरू करो, मैं देखे आया। जल्दी आना, जल्दी आना। एक मिनट भाई, एक मिनट। जेठे भाई बिल। हाँ मैं अभी घर से लेके आता हूँ, दो मिनट। मिलेगा मिलेगा। मैं तो राह देख रही हूँ कि कब रात हो और कब मैं गरबा खेलूं। ओ भीड़े बहन, अरे गरबा खेलने के लिए रात तक इंतजार करने की थोड़ी जरूरत है। अरे दयास, क्या कर रही है दया? कहाँ है तेरा ध्यान? मुझे अब दिखे ही नहीं। वो इतना बड़ा बॉक्स मेरा आगे था ना, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, गरबा खेलने के उत्सव में मुझे बॉक्स भी नहीं दिखा। अरे दया, अभी गरबा खेलने का वक्त नहीं है, अभी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का वक्त है। अरे टप्पू के पापा बॉक्स भर के जलेबी फाफड़ा लाए हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे गर्मा गर्म मुरलीधर से मंगाया जलेबी फाफड़ा। अरे वाह, मजा आ जाएगा। दया भाभी मैं नहीं खाऊंगी। हाँ अरे क्या?
बॉक्स बीच में क्या मैं नहीं खाऊंगी बबीता जी? जेठा जी सुबह सुबह मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। अरे जलेबी फफड़ा सुबह सुबह ही खाने में मजा आता है और सबके लिए मंगाया है मैंने। नीचे हमारी जेंट्स टीम ना मजा से जलेबी फफड़ा के जया फत उड़ा रहे। आइए ना प्लेट, आप लोग बैठिए, मैं अभी परस के लाती हूँ। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर ही रहिए। आज मैं आप सबको अपने हाथों से जलेबी फाफड़ा परोसूंगा। अंजलि भाभी ले लीजिए, रोशन भाभी आपके लिए लाता हूँ। बबीता जी स्पेशल डिश बनाई है, बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए बबीता जी। जीठा जी इतना सारा मैं नहीं खा सकती। अरे क्या नहीं खा सकते, हम खाइए, चखके तो देखिए। खाते ही आपको ऐसी लत लग जाएगी कि रोज सुबह आप मुझे फोन करेंगे, जेठा जी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाइए। निकल गया। ठीक है ना आप? क्योंकि हाँ मैं ठीक हूँ। आप लोग खाइए ना, बैठिए ना, जलेबी फफड़ा खाइए। जलेबी फाफड़ा जलेबी खाइए, बहुत बढ़िया है जलेबी। मैं ये लीजिए, जरा गिर गए। जलेबी लीजिए। नहीं नहीं जेठा भाई, आप तकलीफ मत लीजिए, हमें जो चाहिए हम ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जेठा भाई। अच्छा तो ठीक है, मैं जलेबी फाफड़ा के पैसे ले लेता हूँ। टप्पू के पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जलेबी फाफड़ा की आप पैसे लेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप बोल रही है दया? नहीं नहीं, वो क्या मुरलीधर से वो जो लड़का आया ना, ये सब देने के लिए जलेबी फाफड़ा, वो नीचे खड़ा है, उसका पैसा देना है। तो मैंने बोला मैं अंदर से वो पैसे ले लेता हूँ। ऐसा सबसे पैसे थोड़ी ले सकता, क्या पागल जैसी बात कर। आप खाइए खाइए खाइए, और जो चाहिए ले लेना, इधर ही है। इज्जत का बाजी पला हो गया। कितना 1200। ए सुंदर, तेरे में अक्कल वक्कल कुछ है क्या? नहीं, आधी रात को। अरे भाई नहीं है, नहीं है, अक्कल है। तभी तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। ए बिजनेस वाली, तेरे चनिया चोली की वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ पता है? अरे मेरे चनिया चोली नहीं, मेरे भेजे हुए चनिया चोली। और जीजा जी उसके लिए सॉरी, बस सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे भेजे हुए चनिया चोली की वजह से मेरा पूरा घर गोडाउन हो गया है। अब भी कभी मुझे मेरा घर खाली चाहिए। ठीक है जीजा जी, हो जाएगा। एक काम करो, सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे बॉक्स डॉक यार पहुंचा दो। क्या? क्या क्या कहा? सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे तक डॉक यार पहुंचा दीजिए। सुंदर, तूने कुछ भांग भांग पी ली है क्या? तेरा माल मैं डॉकयार्ड क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि आप मेरे जीजा जी हो। तो साले मेरे इस गलती की सजा और कितने साल भुगतू? क्या मतलब जीजा जी? सुंदर, मैं तेरा माल डॉकयार्ड तो क्या मेरे घर के उम्र के बाहर भी नहीं रखूंगा। तेरा माल है, तू सारी मगज मारी कर। देखिए जीजा जी, जीजा जी आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं फंस जाऊंगा। मेरा और सतपाल का एक्सपोर्ट का ये पहला ऑर्डर है। जीजा जी मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, और वक्त पर मेरा माल वहां पहुंच जाएगा तो ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। अरे लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा। सोच, मेरा माल वक्त पर डॉकयार्ड नहीं पहुंचा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा।
ये सब धंधा चालू करने से पहले सोचने का होता है भाई। अरे जीजा जी, आप एक व्यापारी होके दूसरे व्यापारी की व्यथा नहीं समझ सकते? नहीं नहीं समझता। अरे मैं तो आपको मेरी कंपनी में पार्टनर बनाने का सोच रहा हूँ। अरे वहाँ मुंबई में माई डियर बैना और माई डियर टप्पू के नाम से DNT एक्सपोर्ट कंपनी की ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, वो आप ही संभालोगे। और मैं माई डियर बागा और माई डियर नट्टू काका से भी बात कर लेता हूँ, वहाँ आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान वो लोग संभाल लेंगे। ए सुंदर उड़ती पतंग, मुझे अपनी पूछ बनाकर अपने साथ मत उड़ा। मुझे क्या करना वो तू तय मत कर, मैं अपनी छोटी सी दुकान में खुश हूँ, समझा? तुझे जो करना है वो अभी का भी कर, तेरा सारा माल मेरे घर से खाली कर। टप्पू के पापा क्या हुआ? ये तेरा वीरा अभी बोल रहा है कि ये सारा माल 11 बजे से पहले डॉकयार्ड पहुँचा दो। हाँ तो पहुँचा दो। अरे क्या पहुँचा दो, एक्सपोर्ट का बिजनेस करे वो और माल मैं पहुँचाऊँ क्यों? अभी टप्पू के पापा रिश्ते में तेरा मेरा थोड़ी होता है। देखो तो इधर भैया जी मुझे दुनियादारी सिखा रहे हैं और इधर बहना जी मुझे रिश्तेदारी सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? मैं वीरा को उससे बात करती हूँ। हेलो वीरा, बहना बोल रही हूँ। क्यों अपने जीजा जी को परेशान कर रहा है? तूने ही सारा सामान डॉकयार्ड क्यों नहीं पहुंचा दिया? अरे बहना, तू चनिया चोली पसंद करने के लिए क्या डॉकयार्ड जाती? बस इसीलिए मैंने पूरा माल तेरे घर पे भेज दिया। मुझे लगा कि जीजा जी पूरा माल डॉकयार्ड पहुंचा देंगे। मुझे क्या पता था कि जीजा जी ऐसे अड़ जाएंगे। बहना, ये मेरा एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर है। अगर मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा डॉकयार्ड पे तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। बहना प्लीज कुछ भी करके जीजा जी को समझा के मेरा माल डॉकयार्ड तक पहुंचवा दो, प्लीज बहना। ठीक है वीरा, मैं बात करके देखती हूँ। चलो बाय। टप्पू के पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनिए टप्पू के पापा, सुनिए तो सही। देखिए आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप तो सुंदर वीरा से बड़े हो और बड़े दिल वाले भी हो। विदेश व्यापार करने का सुंदर वीरा का ये पहला ऑर्डर है। जीवन में व्यापार करने की उसको इतनी अच्छी ताक मिल रही है। पता नहीं बेचारे ने कहां कहां से पैसे जमा करके ये व्यापार शुरू किया होगा। और वीरा ने तो अच्छी भावना से मुझे यहाँ पर चनिया चोली भेजा ना, नहीं तो मुझे चनिया चोली पसंद करने के लिए 6 डॉकिया जाना पड़ता। और ये दुनिया में हमारे सिवा और माँ के सिवा सुंदर वीरा का है भी कौन? मुसीबत में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा टप्पू के पापा? अरे दया, अगर मैं मदद करना चाहूँ तो भी 11 बजे तक ये सारा माल डॉकयार्ड तक पहुँचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों क्यों क्यों? ये माल की हालत तो देख, ये माल जैसा था वैसे पैक करने में ही 2 घंटे जाएंगे, फिर सारे बॉक्स नीचे उतारने में 1 घंटा जाएगा और फिर यहाँ से डॉकयार्ड पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। ये सारा माल 12 बजे के पहले डॉकयार्ड नहीं पहुँच सकता। जी। फिर तो सुंदर वीरा को धंधे में नुकसान हो जाएगा। जेठा भाई, दया भाभी, चिंता मत कीजिए, ये माल 2 घंटे में नहीं 20 मिनट में पैक हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, absolutely. हम ये सारे चनिया चोली बॉक्सेस में यूं पैक करेंगे। हाँ? दया भाभी, आपके पास बड़ी टेप है? हाँ। ये वाली? हाँ करेक्ट, परफेक्ट। इससे सारे बॉक्सेस अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे। बबीता जी, भरे भरे बॉक्स तो चलो पैक हो जाएंगे, लेकिन ये सब बॉक्स को नीचे उतारने के लिए मजदूर मंगाने पड़ेंगे, टेम्पो ढूंढ के लाना पड़ेगा, वो सब में टाइम जाएगा ना, तो 11 तो यूं बच जाएंगे। भाई का नटू काका को फोन करके कह दीजिए ना कि वो टेम्पो और मजदूर की व्यवस्था करे। अरे दया, मैं उनको फोन करूंगा ना तो वो मेरी बात सुनने से पहले 17 सवाल मुझे पूछेंगे। क्या हुआ सेठ जी, क्यों इतने सुबह सुबह फोन किया? सब ठीक तो है, सब बराबर तो है? प्लीज टप्पू के पापा। चलो ठीक है, इतना परेशान हुआ हूँ, थोड़ा और सही। हाँ।
दे देती हूँ कि आप मान गए हैं। थैंक यू। मित्रों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जब व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कह सकता, मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। अब देखिए ना, मेरे परम मित्र जेठालाल भाई बहन के प्यार के ऐसे ही रिश्ते में सैंडविच बन गए। ना तो भाई की बहन को कुछ कह सकते हैं, ना पत्नी के भाई को कुछ कह सकते हैं। बड़ा मुश्किल है किसी को भी कुछ भी कहना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम इस वक्त जेठालाल के सामने है, चनिया चोली की ये बॉक्स जिन्हें उन्हें डॉकयार्ड तक पहुंचाना है। अब सवाल यह है कि कैसे पहुंचाएंगे। पहुंचाना तो दूर की बात, अकेले इन बॉक्स को इस कंपाउंड में, गोकुल धाम के कंपाउंड में कैसे लेके जाएंगे वो? अरे, गोकुल धाम के निवासियों को जलेबी भापड़ा की मजदूरी मिल चुकी है, समझ गए ना आप? यानी कि इन बॉक्सेस को नीचे ले जाने में सिर्फ जेठालाल ही नहीं, गोकुल धाम के तमाम निवासियों की लेफ्ट राइट होने वाली है। लेकिन ये परेड आपके घरों के अंदर हंसी लेके आएगी। यहाँ जितनी ज्यादा परेड होगी वहां उतने ज्यादा ठाके। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.